क्या लगता है रायबली में राहुल गांधी आ गए? राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं, 5 साल पहले चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो है सोनिया जी ने अपना प्रमाण पत्र लेने तक नहीं आई। हाँ। आज 20 सालों में क्या किया हमको बताएं सोनिया जी? अब आपकी नज़र में काम न दिखाता? अरे हमारी नज़र में नहीं, आपकी नज़र में खुद नहीं दिखाता है कि आप काम देखे हो, तब आप पहले ना भय हो तब देखेगा। अबे हमें सामने सांसद रही। अरे सांसद तुम्हारे सामने रहे, बच्चा रहे हो या पढ़ रहे हो स्कूल में? क्या किया मोदी? अरे कहा हम खाना बनाई थी कि हम बेलना चलाई थे कि हम सिलेंडर जलाई थे कि हम राशन लावा जाई हर चीज, तो औरतन के नाम हम क्या बता दे? आप परेशान है कि आपके नाम कुछ नहीं हुआ? नहीं हमें नाम का हुआ। हाँ। आज कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, आप सभी का यूपी टीवी में स्वागत है। मैं हूं आपका साथी सुमोस्ती। दरअसल मैं इसमें हॉट सीट रायबली में हूं, यानी यूं कहें लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव जो सबसे अगर गर्म माहौल है तो वो रायबली का है, क्योंकि रायबली से राहुल गांधी ने नामांकन भर दिए, नामांकन पत्र अपना दाखिल कर दिया है और अब चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। रायबली में राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह हैं जो बीजेपी से, जिन्हें पुनः एक बार फिर से टिकट दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जब सोनिया गांधी यहाँ की सांसद थी उनके सामने दिनेश सिंह चुनाव लड़ चुके हैं। यानी यूं कहें कि माँ की बीरा सत को संभालने के लिए बेटे ने अब कमान संभाली है। तो मैं गड़ी पोखरनी गांव में मौजूद हूं, रायबली विधानसभा क्षेत्र और सॉरी रायबली लोकसभा क्षेत्र के बछराव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। और यहां पर मैं पीछे आप देखते हैं कि महिलाएं भारी संख्या में, क्योंकि अगर महिलाओं की बात करें तो बीजेपी सरकार हमेशा यह कहती रहती है कि सबसे ज्यादा उन्होंने काम महिलाओं के लिए किया। तो महिलाओं से पूछना चाहेंगे कि यहां की सांसद थी सोनिया गांधी, वो क्या इससे पहले इन लोगों से मुलाकात इनकी हुई कि नहीं हुई? काफी शांत दिख रहे हैं, एकांत दिख रहे हैं, तो सवाल इन्हें शुरू करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? हमारे दीनदयाल। दीनदयाल दादा, क्या लग रहा है इस बार रायबली में राहुल गांधी आ गए हैं मैदान में, चुनाव मैदान में, क्या लग रहा है आप? लगता रहा है लड़ाई दियो और दोनों दिन का लड़ाई हुई, जो जीती थे अपन संसद। आपके हिसाब से कांग्रेस सरकार? हिसाब से सब ठीक है। हाँ। हमारे लिए यह ठीक बहुत ठीक। मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगा आपको? तो हमका सब काम अच्छा। क्या किया मोदी जी ने? सब कुछ किया। क्या किया मोदी जी? कहा हम खाना बनाई थी कि हम बेलना चलाई थे कि हम सिलेंडर लाई थे कि हम राशन लावा जाई हर चीज, तो औरतन के नाम हम क्या बता दे? आप परेशान है कि आपके नाम कुछ नहीं हुआ? नहीं हमें नाम का हुआ। हाँ। आज लिए कुछ नहीं हुआ। हाँ। बताओ तो मोदी जी के काम से खुश हो कि नहीं? हम तो खुश हैं। खुश हो? हम नहीं देखा। 6,000 ले आता हूँ, 6,000 का दादा साल ले आता हूँ। हाँ। और फ्री का राशन ले आता हूँ। हाँ। है ना? हाँ। और सब कुछ फ्री का चाहिए मोदी जी से। वोट कहीं चाहिए मोदी जी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। आज ले। हाँ। हमारे नाम जमीन है। हाँ। 5 नए पैसे नहीं मिले। अच्छा। हम नहीं करा तो बार कितने कागज भरे? सरकार मोदी के काम से खुश हो नहीं? नहीं, हमारी बात तो सुनो। हाँ। हमका क्यों नहीं मिलता? हाँ। सबको मिलता, हमको क्यों नहीं मिलता? क्या लगता है रायबली में राहुल गांधी आ गए? राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं, 5 साल पहले चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो है सोनिया जी ने अपना प्रमाण पत्र लेने तक नहीं आई। आज 20 सालों में क्या किया हमको बताएं सोनिया जी? रायबली का नाम ऊंचा हो, जब से दिनेश सिंह आए हैं, चाहे वो MLC रहे हो, चाहे वो जो है जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हो, तब से पूरे रायबरेली जिले का विकास हो रहा है, हर ग्राम पंचायत का विकास हो रहा है। अरे राहुल गांधी चाहिए, बड़े नेता है, युवा नेता है। राहुल युवा नेता और कुछ किया तो नहीं? हाँ। वो तो जो विस्फोट करते हैं झूठ मूठ के। क्या विस्फोट करते हैं? विस्फोट ये करते हैं कि हमको वोट चाहिए, झूठ के कर्जा माफ करना चाहिए। कर्जा क्यों माफ करे सरकार? हाँ। कर्जा जब हम लेते तो अपने कार के लेते हैं, पैसा देंगे। इस बार करें हम 1,00,000 रुपया देंगे भाई। नहीं वो तो सरकार की मंशा है तो ठीक है। नहीं राहुल कह रहे हैं, राहुल के कहने से कुछ नहीं होगा, हम उसके में विचार नहीं करते। हम राहुल की विचारधारा से बेरोजगारों को नौकरी देंगे, वो नहीं दे पाएंगे। महंगाई हटाएंगे? नहीं हटा पाएंगे। नहीं हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे। महंगाई तो हटा पाएगी सरकार, इसलिए कि महंगाई तो हटा दिया, गरीबों को राशन फ्री तो दे रही है। अब इससे ज्यादा और क्या? पहले कुछ मिला था? पहले कभी नहीं मिला। अच्छा कांग्रेस ने क्या कह रहा है के लिए? कांग्रेस ने जब किया, जब इंदिरा जी के जमाने में किया है। हाँ। उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव है, कांग्रेस यहाँ जीत रही? कांग्रेस नहीं जीतेगी। किस लिए नाराज है? इसलिए नाराज है कि वह यहाँ तक देखने, 5 साल देखने तक नहीं आई। अच्छा जी, नाराज है आप? जी अब जाइए, क्या सरकार चल रही है उसी के साथ हैं हम। मोदी जी के काम? हाँ, मोदी जी के साथ हैं हम। क्या किया मोदी जी ने? मोदी ने सारी योजना क्या कोई सरकार आज तक कर नहीं पाई। महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए सारी योजना सबके लिए क्या जो किया मोदी ने, कोई सरकार आज तक कर ही नहीं पाई। मोदी जी ने किया? हाँ, जो कांग्रेस ने किया नहीं? कांग्रेस तो अभी तक मेरे सामने नहीं किया कुछ। कुछ नहीं किया मोदी जी ने? कुछ किया आप लोगों के लिए?
हाँ करत है जो 2000 रुपया पाई थी। अच्छा। तो राशन वासन मिलत कि नहीं? राशन वासन नहीं पाई। सिलेंडर? सिलेंडर कुछ नहीं पाओ। चलिए कुछ चेक नहीं यहाँ के लिए। कांग्रेस ने यहाँ के लिए पहले कभी किया होगा, इस वक्त कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं हुआ। दादा आप बताइए क्या नाम है? राम सजीवन। कैसे देख रहे हैं इस बार रायबली में? रायबली में अच्छा काम की का माहौल है। नहीं कहे दिनेश सिंह का की राहुल का? हाँ नहीं। राहुल गांधी से कहे नाराज हो? अरे नाराज हम इधर है तो हैं। किधर है? होगा कांग्रेस से कहती? नहीं भाजपा का जी। हम तो आप तो रैली कांग्रेस घुमा करत हो? कहाँ प्रधान कहती है कि हुआ जो प्रधान कहीं बात हो। अच्छा तो राहुल गांधी से कहे नाराज हो आप? अरे नाराज उनकी उनकी माता जी सोनिया गांधी यहाँ सांसद रही हैं। अरे जब रही देखे उनका? देखे कहे नहीं मिली है। पहले लोग आती रही यहाँ दौड़ा लगती रही। हाँ। मीटिंग हुआ रहे। कुछ काम भवा के काम कांग्रेस के? काम का भवा कुछ नहीं भवा। पहले जमाना भाव है जो भाव है अब नहीं भवा। अब कहाँ भवा? दादा बताइए क्या लग रहा है? हमें जो है कांग्रेस से भी वो है मगर कांग्रेस वो आई थी नहीं अभी तक जब से सांसद हुई। अब जब से दिन सिंह आए वो हमारे यहाँ सब इंटरलॉकिंग नाली ये सब चीज हुई है। हाँ, बस ये इतना हुआ। अच्छा। हाँ जी। गली गली और ये गैस सिलेंडर ये सब फ्री हो रहे हैं। हाँ। है? और गैस चूल्हा मिला 2000 रुपया मिल रहा है। बस यही हो रहा है। आप हाँ। अच्छा है। और क्या लग रहा है? राहुल गांधी आ गए यहाँ पर, नाम आपके जिले के ऊपर जा रहा है, क्या लग रहा? तो राहुल गांधी आए जब जीतेंगे जब देखा जाएगा भाई। न जीती है का आपके? अब एक उम्मीद नहीं है भाई जाती। हाँ? उम्मीद नहीं काहे लिए दादा? अरे आए अभी नए नए है ना। अच्छा समझना पड़ेगा। हाँ। चलिए ठीक है दादा। हम भवा रायबली में कुछ काम हम भव नहीं कांग्रेस सरकार में? नहीं भवा नहीं भवा। सब तो काम हो सका भव का लगा भाई। रायबरेली सिटी के अंदर हुआ होगा मगर क्षेत्र में नहीं हुआ। रोड इतनी खराब थी। हाँ। कि महाराजगंज 6 महीना में साइकिल खराब हो जाती थी। अच्छा दादा मगर आ करके हाँ। चले गए 5 साल में कोई गुजरा नहीं। हाँ। खाली 3 बार गुजरा। अच्छा इलेक्शन के पीरियड में। हाँ। अब वही पीरियड में कहूँ कहूँ आ करके मीटिंग कर जाए हाहाकार कर जाए उसके बाद आए नहीं। और ये सड़क बहुत सालों तक इतनी खराब पड़ी रही। हाँ। कि लड़िया की धुरी और पिननी टूट जाती थी। हाँ। तांगा की पहिया टूट जाते थे। हाँ। साइकिल लोग नई बंधावत है और 6 महीना में बर्बाद हो जाती थी। हाँ। जब इंदिरा सन 84 में ख़त्म हुई तब उसकी बात राहुल और सोनिया को आवागवा नहीं ना और आवागवा एक आध बार तो अमेठी पर धावा मारा। हाँ। सोनिया लगातार सांसद रहे ना? सांसद का क्या मतलब हुआ अगर कोई कार्य ना हो? अब आपकी नजर में काम ना दिखाता? अरे हमारी नजर में ना कि आपकी नजर में खुद नहीं दिखाता है कि आप काम देखे हो तब आप पैदे ना भय हो तब देखे हो का? अबे हमें सामने सांसद रही। अरे सांसद तुम्हारे सामने रहे बच्चा रहे वही पढ़ रहे स्कूल में। सोनिया जी पिछली दादा अरे हमका नाम समझाओ बच्चा। हम 76 साल की उम्र है। है तो आपकी उम्र? हाँ और आप कांग्रेसी हो? क्या है आप? क्या हमारी 30 साल है। 30 साल तो कम है। 30 साल है? हाँ कम है। दादा ये तो कांग्रेस से नाराजगी क्यों है आपकी? बस एक ओहो नाराजगी यही बात की है कि रास्ता कोई नहीं बनी। हाँ। आने जाने का महाराजगंज तबाह हो गया था। हाँ। पारा कलंदर खेड़ा से लड़िया धुरी पिंजनी यक्का तांगा सब टूट जाते थे वो थी नहीं पहुंच पाते थे। ठीक है फिलहाल आपको बता दूं दादा काफी नाराज दिख रहे हैं और फिलहाल मैंने यहाँ पर महिलाओं की और लोगों की राय ली। आपको ये राय कैसी पसंद आई कमेंट कर हमें जो बताइए। यूपी टीवी के लिए समस्तीपुर।